ये आज रात्रि में थाना हसनपुर की पुलिस जब चेकिंग कर रहे थे तो एक सेंट्रो गाड़ी बहुत तेजी से उनको बैरियर तोड़ते हुए भागी, जिस पर की पुलिस ने पीछा किया। पुलिस के पीछा करने पर उस सेंट्रो गाड़ी में सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक युवक को गोली लगी जो कि गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी प्राप्त हुई है और एक गाय भी थी उसमें, वो भी पुलिस ने बरामद की है। कुछ गाय काटने के उपकरण थे वो बरामद हुए। इस घटनाक्रम में एक साथी जो था अभियुक्त का, वो भागने में कामयाब हुआ है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जो युवक पकड़ा गया है उसने अपना नाम वसीम बताया है, जो कि बिजनौर का रहने वाला है और ये पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है और एक दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं इसके। ये ऑलरेडी थाना धनौरा के एक मुकदमे में वांछित चल रहा है और इनामी बदमाश है। पूर्व में भी इसने 2015 में पुलिस के ऊपर हमला किया था, जिसमें कि उन्हें जान से मारने का प्रयास किया था और भी कई मुकदमों में जेल जा चुका है।